तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एम एस एंट्री के लिए इंटरेस्टेड बच्चे हैं बिल्कुल जबरदस्त वैकेंसी है जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है और ऑब्वियसली मिलिट्री के अंदर परमानेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए तो मुझे लगता है इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ क्या हो सकती है और बिल्कुल फास्टेस्ट प्रोसेस में चीज़ें शुरू होने जा रही हैं बिफोर ट्वेंटी फाइव जुलाई आपके अनाउंसमेंट हो जानी है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाना है और एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा दो ढाई महीने का ही टाइम है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए आखिर सिलेबस क्या है क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है सर और क्या स्ट्रैटी अभी से बनानी है क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम में अगर देखें तो ओवरऑल सबसे बड़ी प्रायोरिटी बेटा आपके एग्ज़ाम की ही है क्योंकि उसी के आधार पे आपका हर स्टेप पे कटाफ बढ़ता है जहां बेटा पहला स्टेप रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पे उसके स्कोर के आधार पे फिजिकल का मौका मिलना फिर फिजिकल होने के बाद जो बच्चे हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है मेडिकल के लिए तो वहाँ भी आपके रिटर्न के कट में ग्रो आता है बच्चा और फाइनली मेडिकल के बाद भी एक फाइनल कट आता है तो बड़ी जर्नी हो जाती है तो ये कटाफ कटाफ का जो गेम है एग्जैक्टली exactly आपके सिलेबस का है तो मैं हमेशा से चाहता हूँ मेरे बच्चे ऐसा स्कोर करो ना यार कि कटआफ का हेडेक ही खत्म हो जाए और स्कोर हमेशा एटी परसेंट सेवा होना चाहिए तो उसके लिए जानना तो जरूरी है ना कि सर क्या सिलेबस है उसके लिए जानना जरूरी है कि सर कैसे स्ट्रैटी बनाए कैसे फोकस करें कैसे अपनी सफलता को सत प्रसत हम सुनिश्चित करें इन्हीं सारे पहलुओं को गंभीरता से समझते हैं और शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन तो बिल्कुल आज आर्मी एम भर्ती दो सिलेबस का क्या क्राइटेरिया है पूरा पूरा फॉर्म कब भरा जाएगा हाइट वगैरह को भी लेकर बच्चे कन्फ्यूज उनको भी लेकर बात कर लेते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं के साथ। तो सबसे पहले आ, जैसे कि आपने को देखी लिया है, मोटा, मोटा मेट के लिए नौ सौ चौवालीस ओवरऑल अगर हिसाब लगा लें हम सुपरवाइजर जो है बैरक स्टोर एंड बैरक स्टोर ऑफिसर और आर्किटेक्ट कैडर के लेकर के तो टोटल इकतालीस वैकेंसी है जिसमें अगर देखें तो मोटा मोटा आपकी मेट की वैकेंसी मल्टीटास्ट स्टाफ की वैकेंसी और डॉट्समैन के जो आपकी वैकेंसीज हैं ये सारी के सारी आपके टेंथ लेवल पे हैं रेस्ट कुछ वैकेंसीज जैसे स्टोर कीपर की हुई सुपरवाइजर हो गए आपके बैरक स्टोर ऑफिसर हो गए ये आपके टेंथ प्लस लेवल के होंगे और आर्किटेक्ट कैडर जो होंगे ये बेसिकली कुछ डिप्लोमा होल्डर बच्चे जो होंगे स्पेशली उन्होंने आर्किटेक्ट में कुछ किया होगा उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी चलिए तो फॉर्म आने के बाद क्लैरिटी आ जाएगी बट मोटा मोटा टेंथ लेवल पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ है बड़ी वैकेंसी है जिसको आपको समझना जरूरी है बच्चा बड़ी वैकेंसी है तो बड़ा प्रयास भी करना होगा अपनी सफलता के लिए ऑब्वियसली उसके लिए हम लोगों ने जबरदस्त जो है स्पेशल एम के लिए स्पेशल लॉन्चिंग की है बहुत ही रीजनेबल आ, पैकेज हमने लॉन्च किया है बेटा मात्र फोर्टीन हंड्रेड में चौदह सौ में मेरे भैया बहुत ही रीजनेबल चार्ज है ये इंक्लूडिंग जी अगर जी भी हटा दें इसमें से तो मुझे लगता है कि मात्र बारह में आपका ये पैकेज है तब तक जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाएँ दैट मीन कितनी बार भी आप रिपीट कर सकते हैं टिल द एग्जाम आपके कोर्सेज को दोबारा हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। एक बार चार्ज लेते हैं और उसमें बच्चे को सत्तर तैयार सत करते हैं देश की वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ तो बिल्कुल एम के सी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ये तो ऑनलाइन ऑप्शन है ऑफलाइन भी ऑप्शन है उसके विषय में बताएंगे तो सबसे पहले ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी रहती है टेंथ एंड ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी है हाइट का भी कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है बट मोटा मोटा मान के चलें कि एक तो रहेगी ही मेल का और फीमेल का एक नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि अपलीकेशन नोटिफिकेशन आने के एक हफ्ते के बाद ही आ जाएगी दैट मीन एक हफ्ते विदिन हफ्ते तो ट्वेंटी फाइव जुलाई आपको इसलिए डेट दी है मैंने तो एक्सपेक्टेड है कि अप्लीकेशन आपका जो है जल्द ही जल्द आपके सामने अपडेट कर दिया जाएगा फिर आ जाता है आर्मी एम वैकेंसी सिलेबस क्या क्राइटेरिया क्या है तो दो पहले रिटन एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं मेरे बच्चा जो टोटल एग्ज़ाम है ये आपका 120 मिनट का है और दो घंटे जिसको आप कह सकते हैं समय मिल रहा है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे हर क्वेश्चन 25 संख्या में होंगे जिसमें आपका अर्थमेटिक है रीजनिंग है जी है और इंग्लिश में अभी डिटेल सिलेबस को लेकर एक बार समझ भी लेते हैं क्या क्या है तो इसमें एक्जैक्टली क्या है कि पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन तो सबसे आते हैं आपके एथमेटिक पार्ट से भी रीजनिंग से भी जी से भी और इंग्लिश से भी लेकिन जो बच्चे आर्किटेक्ट कैटेगरी में उनमें स्पेशलाइज 25 क्वेश्चन और जो जाते हैं तो उनके कह लीजिए एक तरीके से जो है 50 क्वेश्चन हो जाते हैं और 50 मार्क्स हो जाता है समय 120 मिनट का है भैया मतलब 100 क्वेश्चन होंगे दो घंटे का समय आपके पास है और डिसेबल कैंडिडेट्स को भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगे तो उनके लिए स्पेशल यहाँ दो घंटे चालीस मिनट का समय मिलेगा और जो स्पेशल एंट्री के तहत ता आएंगे उनको जो समय मिलेगा वो दो घंटे से ज़्यादा का समय मिलेगा अराउंड ढाई घंटे का समय उनको मिल जाएगा तो ये रहा पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न में एक चीज़ तो क्लियर हो गई मोटा मोटा आप सबको कि अर्थमेटिक है रीजनिंग है जी है और इंग्लिश है ये मोटा मोटा है और वाकई में कमांड अच्छा करना पड़ेगा स्टैंडर्ड ठीक ठाक रहेगा पेपर का हल्का ना लें इसको बिल्कुल दिमाग से तो पढ़ना तो अच्छे से एक बार पड़ेगा उसके लिए ज़बरदस्त ऑफलाइन भी हम तैयार हैं मेजरकलसी क्लासेस के कैंपस का हिस्सा बनिए कॉल करके नाइन सिक्स नाइन सिक्स डबल थ्री डबल जीरो डबल थ्री पर और हिस्सा बनकर हमारे साथ एक अपनी एक बेहतर प्रिपरेशन को बच्चा आगे के लिए कंटिन्यू कर दीजिए ठीक है अब आ जाते हैं बेसिकली सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने के लिए तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पर ही आ जाते हैं तो फिगर से क्वेश्चन है एनोलॉजी से है बेटा कोडिंग डिकोडिंग है पजल है भैया मैट्रिक्स है वर्ड फॉर्मेशन है वेन बेंडाइग्राम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है आपका ब्लड रिलेशन है ऑर्डर रैंकिंग है नंबर सीरीज़ है बर्बल रीजनिंग है नॉन बर्बल रीजनिंग है नंबर सीरीज है बर्बल रीजनिंग नॉन बर्बल रीजनिंग साथ ही साथ आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रिलेशन एंड फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रेट लाइन्स सेक्शन सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, थ्री डायमेंशन लिमिट्स कंटिन्यूटी ये पूरा अर्थमेटिक वाला पार्ट है बेटा अगणित वाला इंडेफिनिट इटेग्रल्स है मेट्रिस हैं डिटर्मिनेट्स है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है सर्ड इंडाइसिस है, है आपका सिम्प्लीफिकेशन प्रॉफिट लॉस हो गया मिक्सर एलिगेशन हो गया रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज नंबर सिस्टम सिक्वेंसरीज परमोटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस एंड मैंशन तो ये बेसिकली टॉपिक है भैया मैथ के अच्छा स्टैंडर्ड है, है अच्छे टॉपिक हैं एक बार बेटा कॉन्सेप्ट भी काम करना पड़ेगा भैया और जो इससे पहले एग्जाम हुए हैं उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड है उनको भी अप्रोच करना होगा और जब एम के सी प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों पे आपको उस तरह से मदद की जाएगी तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा और साथ ही साथ इसके लिए स्पेशल लॉन्चिंग भी हम एम सोल्जर एंट्री क्लासेस जो हमारा चैनल है जो चैनल सेक्शन में एमकेसी के सी सोल्डर इंट्री क्लासेस है उस पर टाइप स्पेशल हम इसके लिए क्लास भी यूट्यूब पे स्टार्ट करने चल रहे हैं जल्दी आपको अनाउंस कर देंगे उसके बारे में फिर आपका सिलेबस आ जाता है बेटा नेक्स्ट ऑब्वियसली ये लर्निंग ऐप जिसकी मैं बात कर रहा था इससे आप जुड़ सकते हैं और रियल uh, तैयारी है लाइव क्लासेज हैं डाउट काउंटर फैसिलिटी वीकली मॉक टेस्ट हर चीज हर वो फैसिलिटी दी गई है बेटा जो आपके सफलता में आपको मदद करेगी आ जाते हैं इंग्लिश के सिलेबस पर क्लोज टेस्ट है सेंटेंस कलेक्शन है पैरा जंबल्स हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्पॉटिंग पैरा सेंटेंसेस कंप्लीशन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट है फिलिंग द ब्लैंक्स है तो ये बेसिकली आपका इंग्लिश का टॉपिक रहा ओवरऑल जिसको आपको कवर करना है प्रॉपर तरीके से ऐसे जीके में पूरा करंट जीके का पार्ट है स्पोर्ट्स हुआ खेल हुआ जितनी भी चीज़ें हैं हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्रफी इकोनॉमिक्स पूरा जीके का पार्ट प्रॉपर ढंग से आपको उस पर कवर करना है तो ये बेसिकली सिलेबस है जो अब मुझे आपको बताना था अब बेसिकली मैं बस यही गाइड करना चाहता हूँ बेटा बहुत अहम समय है और बिल्कुल जुड़ जाइए इस प्लेटफॉर्म से कॉल करके नाइन सिक्स नाइन सिक्स डबल थ्री डबल जीरो डबल थ्री पर और जुड़ करके एक बेहतर तैयारी शुरू करिए सिलेबस मैंने क्लियर कर दिया है आपको अब अहम यही है कि इन सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट काम करें और जो एम ई एस बेस क्वेश्चनस हैं जो आने वाले हैं उन क्वेश्चन को अप्रोच करें मेजर मेजिकलसी क्लासेस की आर एंड टीम बिल्कुल आपको रियल वही मटेरियल लेके आपके सामने आएगी चलिए थैंक यू सो मच विश यू ऑल गुड लक जय हिंद जय भारत कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वारीज़ हो तो मैंशन करें बिल्कुल हाजिर हूँ आपके एक बेहतर अपडेट के लिए फिर से थैंक यू वेरी मच जय हिंद